स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न हैं सभी प्रीवियस पेपर्स पर ही बेस्ड हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो है प्रयोजन शैक्षिक हो, नंबर 1 है। नंबर 2 पे है, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो। नंबर 3, सीखना क्रिया द्वारा हो। नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, आप ज़रा सोच के देखिए इसमें कौन सा आपके हिसाब से क्वेश्चन आंसर जो है सही होगा। इसमें हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। फर्स्ट है, यह सही है। सेकंड, यह गलत है। थर्ड है, यह आंशिक रूप से सही है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट आ जाएगा, यह सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। ऑप्शन नंबर 1, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। नंबर 2, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना। नंबर 3 है, समानार्थी शब्द बताना। और नंबर 4 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। नेक्स्ट है, चिंतन का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है चिंता न होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता, अधिगम का चिंता से कोई संबंध नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 सही होगा, सामान्य चिंता। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सेकंड है, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध। थर्ड है, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। और नंबर 4 पर है, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आपका ये सभी 2009 में, सॉरी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ये सभी दिए गए हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा। फिर है, व्यापक मूल्यांकन के क्या लाभ हैं। नंबर 1 है, विद्यार्थियों को कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 2 है, शैक्षिक प्रदर्शन का विकास होता है। नंबर 3 है, परीक्षण चिंता को कम करता है। और नंबर 4 है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है। नंबर 1 है, संज्ञानात्मक पक्ष। नंबर 2 है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष। नंबर 3 है, बौद्धिक पक्ष। नंबर 4 है, बाह्य पक्ष। तो इसमें जो है आपका नंबर 2 आ जाएगा, गैर संज्ञानात्मक पक्ष, ये व्यक्तित्व के व्यवहार का पक्ष है। फिर है, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है नौकरी के लिए तैयारी करना, राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना। और नंबर 4 है, हितकर ज्ञान देना।
तो इसमें आपका जो नंबर सेकंड का ऑप्शन है वो सही है, राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, ये भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक, क्या है ये? शिक्षण विधि है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे शिक्षण सूत्र, नंबर 3 पे ये एक शिक्षण तकनीक है, और नंबर 4 पे शिक्षण युक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर एक शिक्षण सूत्र है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण व्यू रचना है, शिक्षण व्यू रचना है क्या है? उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, नंबर 2 पर है शिक्षण की विधि, नंबर 3 पर है कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, और नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका नंबर 3 आ जाएगा, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया। फिर है आपका आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं, जो आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति होते हैं तो उनमें व्यक्तित्व के कौन से गुण होते हैं? परंपरावादी एवं सामाजिक, शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय, जोशीले एवं क्रोधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका आंसर होगा, परंपरावादी एवं सामाजिक। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की चहुमुखी प्रगति की नींव में होते हैं वहाँ के, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षित व्यक्ति, फिर अशिक्षित व्यक्ति, धनवान व्यक्ति और बलवान व्यक्ति। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है वो आपका सही है, शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति ही किसी राष्ट्र की चहुमुखी प्रगति की नींव में होते हैं। फिर है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्राथमिक शिक्षा के न्यूनतम, प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा, इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 3 वर्ष, नंबर 2 है 5 वर्ष, नंबर 3 है 6 वर्ष, और नंबर 7 है, सॉरी नंबर 4 है 7 वर्ष। तो इसमें जो है 6 वर्ष आएगा, नंबर 6 वर्ष आ जाएगा इसमें, आंसर इसका 6 वर्ष होगा, क्योंकि 6 से 14 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षक नंबर। अब है क्वेश्चन आपका 14, इस क्वेश्चन में है, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून कब से लागू किया गया? ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, नंबर 1 है 1 अप्रैल 2008 से, दूसरा है 1 अप्रैल 2009 से, तीसरा है 1 अप्रैल 2006 से, चौथा है 1 अप्रैल 2010 से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 4 है वो सही होगा, 1 अप्रैल 2010 से, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में आवश्यकता होती है यथार्थता की, निश्चित विचार की, स्पष्ट विचार की, या उपयुक्त सभी की। तो इसमें जो है आपका नंबर 4 आ जाएगा, उपयुक्त सभी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।